गणेश उत्सव की बात करें तो आज पूरे विश्व भर के अंदर गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गली हो, मोहल्ले हो, स्कूल हो, चौराहे हो, हर जगह घर घर गणपति बप्पा मोरिया की तैयारियां चल रही। आज गणेश चतुर्थी भी है। भारत टीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश उत्सव पर। हमारे बीच में गणेश भक्त कहूँगा संदीप वस जी हैं और उनकी पूरी टीम है। संदीप जी, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे गणेश उत्सव पर? विघ्न हरण मंगल करण गणपति जी महाराज, गणपति बप्पा मोरिया, ये हमारा द्वितीय वर्ष है। हमारे साथ के सभी भाई बड़े हर्षोल्लास से गणपति जी का चतुर्थी मनाते हैं जी। और इस वर्ष से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि पूरे संसार में, विश्व में, भारत में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और ऐसे ही मनाई जाए और भगवान सभी का कल्याण करें, सबको दुख हरें, सबके मंगल कार्य करें। मैं श्री गणेश भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ। लगातार आज ये दूसरा साल है आपको ये लाते हुए गणेश भगवान, ये हमारा दूसरा वर्ष है और बाबा की कृपा बनी हुई है, श्री गणेश भगवान की कृपा बनी हुई है जी। और इस वर्ष हम प्रार्थना करेंगे ये ऐसे कंटिन्यू चलता है। कितने दिन के लिए आप लोग लेकर के आते हैं ये? हम 5 दिन के लिए। 5 दिन के? 11 दिन। अच्छा, ये हमारा 11 दिन। हमारा 11 दिन का है। पूरी तैयारी है लाने के लिए? हाँ, पूरी तैयारी है। आप बाबा को लेने जा रहे हैं और उनका विराजमान करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे सब पूरे 11 दिन हम बहुत हर्ष के साथ ये त्योहार, जैसे अपने घर में जन्मदिन मनाते हैं, शादी ब्याह मनाते हैं, ऐसे ही इसको मनाते हैं गाजे बाजे के साथ। हाँ, गाजे बाजे के साथ। कपिल जी, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? भारत टीवी के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों, सभी भारतवर्ष के सभी हिंदू परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो हम पिछले साल भी हम लेके आए थे गणेश जी और इस साल भी हम दूसरा हमारा देते हैं गणेश महोत्सव है हमारा, ये तो बड़े ही हर्षोल्लास से बनता है। स्पेशल हमारी जो शिव एक्सप्रेस डाक कांवड़ की टीम है जी जी जी, वो पूरी टीम इस महोत्सव में सम्मिलित होती है। सब जितने भी लोग हैं अपने हमारे डाक कांवड़ के सारे लड़के, वो सब एकत्रित हो गए, सब इस महोत्सव का आनंद। इस बार क्या नया करने जा रहे हैं? इस बार हमारी एक बार हम पिछली बार हमने आगोरी जागे की थी, इस बार हम कुछ और कॉन्सेप्ट है। कल मेरी बात हुई थी तो उस कॉन्सेप्ट के थ्रू ना कुछ अलग हम एक अघोरी झांकी कराएंगे। अघोरी झांकी हमारी आखिरी दिन होती है जी। और उससे 3 झांकियाँ और हैं हमारी, बहुत ही अच्छी झांकियाँ और वो कुछ हमारे इस बार में नया है। और इस बार हमारे गणेश जी विशाल हैं, पिछली बार थोड़े छोटे थे, इस बार हमारे बड़े हैं, तो थोड़ा चेंजेस ये हैं। हर साल मतलब साइज बढ़ता जाता है? साइज बढ़ता जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। इस बार और साइज बढ़ा हुआ है, बिल्कुल पूरा साइज बढ़ा हुआ है। और स्पेशली हमारा जो इस बार मुख्य आकर्षण है हमारी झांकियाँ हैं, जो हमारा पूरा यहाँ ग्राउंड में सब जगह झांकियाँ होती है और झांकियाँ बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। मोहल्ले पड़ोस के सारे लोग बहुत ही आनंद लेते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा आनंद आता है। आयोजक करता रोहित जी से भी बात कर लेते हैं। रोहित जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के लिए तैयारी कर रहे हैं? तैयारी हम 3-4 दिन से लगे हुए हैं और सारे ही गली के लड़के लगते हैं, कोई ऐसा कोई बाहर का नहीं यहाँ पे, सारे लगते हैं और सारे पूरा प्रॉपर काम करते हैं यहाँ पे बैठ के। और क्या नाम है, यहाँ पे लेडीजें भी होती है गली की और रात को 11 बजे तक यहाँ पे कीर्तने करती हैं, सारे मोहल्ले की आती हैं, तो मतलब पूरा एक अच्छा सा लगता है। हमारा हिंदू त्यौहार है तो हम सारे हिंदू होके बिल्कुल और अपना अपना धर्म के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। एक बार नारा लगाएंगे, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो इस तरीके से पूरी तैयारियां चल रही हैं बाबा को लाने के लिए। 11 दिन पूरे गाजे बाजे के साथ में पूरा कीर्तन भी होगा और जागरण भी होगा, भंडारा भी होगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।